में पार लेने वाली थी, नदाम गेम्स में पार लेने वाली थी इस साल। दैट आफ्टरनून अरुणा वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स एज शी रोड बिसाइड अ रिवर डेलकर टूलीज फ्रेंड केम अप टू हर राइडिंग अ ग्रे हॉर्स। उस आफ्टरनून जब अरुणा अपनी हॉर्स को ट्रेनिंग दे रही होती है एक दरिया के पास, तो वहां पे डेलगर आ जाता है। डेलगर जो है वो है टूली का फ्रेंड, उसके भाई का फ्रेंड जो है उसका नाम है डेलगर, वो वहां पे आ जाता है अपने ग्रे हॉर्स पे। यू राइड दैट हॉर्स एवरी डे, सेड डेलगर, व्हाट आर यू डूइंग। डेलगर उसे पूछता है अरुणा से, तुम इस घोड़े को रोज राइड कराती हो, तुम क्या कर रही हो। आई एम ट्रेनिंग इट, आई एम गोइंग टू राइड इट इन नदाम, सेट अरुणा। अरुणा कहती है मैं इसे ट्रेन कर रही हूँ क्योंकि मैं रेस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, नदाम की रेस में मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने घोड़े को ट्रेन कर रही हूँ। व्हाट दैट हॉर्स, डेलगर लाफ्ड, दैट स्लो हॉर्स, इट कांट विन, नदाम हॉर्स हैव टू बी फास्ट लाइक माइन, इज ट्रूली गोइंग टू राइड। डेलगर जो है वो हंसने लगता है, लॉफ्ट मतलब हंसना। दैट स्लो हॉर्स इज कांट विन, ये घोड़ा तो बहुत धीरे दौड़ता है, क्या ये जीत सकता है नदाम नदाम गेम में, क्योंकि नदाम के हॉर्स जो हैव टू बी फास्ट लाइक माइन। हैव टू बी फास्ट मीन नदाम में जो घोड़े पार्टिसिपेट करते हैं वो फास्ट होने चाहिए जैसे कि मेरा घोड़ा है, वो कहता है अरुणा से। इज तुली गोइंग टू राइड, क्या तुली तुली भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। नो ही कांट, सेट अरुणा। अरुणा कहती है नहीं वो नहीं कर रहा क्योंकि ही इज हर्ट, उसे चोट लगी है, और एंड आवर ब्लैक हॉर्स इज हर्ट टू, और उनका जो ब्लैक घोड़ा है काला सा काला वाला घोड़ा है वो भी हर्ट, जो उसको भी चोट लगा है इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यहाँ तक हम रखेंगे। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आर्चरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्चरी मीन्स द स्पोर्ट ऑफ शूटिंग एरो विद अ बो, तीर अंदाजी को हम कहते हैं आर्चरी। ये क्वेश्चन, वाई इज अरुणा राइडिंग द हॉर्स, अरुणा हॉर्स क्यों चला रही थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, अरुणा जो है वो अपनी हॉर्स को ट्रेनिंग दे रही थी नदाम गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो क्या कर रही थी, ट्रेन कर रही थी, इसलिए वो हॉर्स वहां पे नदी के पास हॉर्स को चला रही थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय।